फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। आज हम पढ़ेंगे स्किप काउंटिंग। मैथ सब्जेक्ट का ये टॉपिक है। यूकेजी क्लास में, फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में, तीनों में ही बच्चों को कराया जाता है। पहले छोटे नंबर का कराया जाता है, फिर बाद में उसके बाद बड़े नंबर का कराया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले बच्चों को फॉरवर्ड काउंटिंग सिखाई जाती है 100 तक। यूकेजी क्लास में 100 तक की बच्चों को करा दी जाती है। तो फर्स्ट क्लास में इसके बाद के ही स्टेप फॉलो करते हैं, उनको ये काउंटिंग वगैरह दोबारा से रिवाइज करा देते हैं कि हाँ 100 तक की काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग आपको आनी चाहिए। रिवर्स काउंटिंग भी 100 से लेके 1 तक की, ये भी बच्चों को कराई जाती है जब भी ये स्किप काउंटिंग वाला टॉपिक कराया जाता है। इसके बाद हम फिंगर्स पे बच्चों को देखें, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5, इस तरह से करना सिखाते हैं। और अभी मैं बताऊंगी आगे आपको कि क्या इसका यूज है, हमें कैसे ये यूज करना है फिंगर्स को स्किप काउंटिंग में। सबसे पहले स्किप काउंटिंग इन टूज, टू नंबर की हमें स्किप काउंटिंग समझनी है। देखिए यहाँ पर पहला नंबर हमारा यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, तो जो भी आपका यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखा होगा वहां से ही स्टार्ट करना है। इसको सर्कल कर देते हैं कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। 0 के बाद, अब इसके लिए आफ्टर, व्हाट कम्स आफ्टर वाला टॉपिक भी बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि 0 के बाद कौन सा नंबर आता है 1, 1 के बाद कौन सा नंबर आता है 2, 2 के बाद कौन सा नंबर आता है 3। तो ये टॉपिक भी व्हाट कम्स आफ्टर वाला यूकेजी क्लास में बच्चों को क्लियर करा दिया जाता है। अगर नहीं आता तो पहले वो करना भी जरूरी है। अगर उसकी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला नंबर है हमारा यहाँ पर 0। अब हमें इसके बाद से आफ्टर काउंटिंग करनी है। जो भी नंबर यहाँ पे हमें, जिस भी नंबर की स्किप काउंटिंग करनी है उतनी ही फिंगर तक हम करेंगे। 0 के बाद 1, 2, तो सिर्फ हमें 2 फिंगर तक काउंट करना है। तो हम कौन सा नंबर सर्कल करेंगे यहाँ पर 2। अब 2 के आफ्टर से काउंट करना है और 2 ही फिंगर यूज करनी है सिर्फ। 2 के आफ्टर कौन सा नंबर होता है 3, देन 4। हमने कितनी फिंगर यूज करी है, सिर्फ 2 ही फिंगर यूज करी है। तो हम यहाँ पर 4 नंबर को सर्कल कर देंगे। 4 के आफ्टर से काउंट करना है और कितनी फिंगर यूज करनी है, सिर्फ 2 फिंगर यूज करनी है। 4 के आफ्टर 5, देन 6। तो 2 फिंगर यूज करी और हमें कौन सा नंबर मिला 6। तो हम यहाँ पर 6 को सर्कल कर देंगे। इस तरह से पहले 0 to 6 तक बच्चों को समझाते हैं, फिर 20 तक, फिर 40, देन 50, फिर 100 तक का पूरी स्किप काउंटिंग बच्चों को कराई जाती है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इतना हमने कर लिया था 6 तक। अब 6 के आफ्टर से फिर हमें 2 फिंगर लेनी है। 6 के आफ्टर 7, 8, सिर्फ 2 फिंगर यूज करी है हमने और हमें कौन सा नंबर मिला है 8। इसी तरह से 10, इसी तरह से 12। एक चीज और यहाँ पर नोट करने वाली है कि जब भी हम 2 नंबर की स्किप काउंटिंग करेंगे तो एक एक नंबर छोड़ के ही हमने यहाँ पर सर्कल करा है। इस तरह से भी बच्चों को समझा सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्किप काउंटिंग बाय 2। अब यहाँ 50 तक के नंबर की है और बिगिन फ्रॉम 0 यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है, 0 से। तो 0 से स्टार्ट करके फिर 2, 4, 6, 8 बच्चों को कलर करने के लिए या सर्कल करने के लिए इस तरह से ही बोला जाता है। तो कलर करने के लिए बोला जाएगा तो 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 50 तक का हम इस तरह से समझाएंगे जैसे मैंने अभी बताया है। नेक्स्ट आता है डू स्किप काउंटिंग इन टूज ऑन द नंबर लाइन। इसके बाद बच्चों को नंबर लाइन के थ्रू समझाया जाता है कि कैसे हमें स्किप करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारा 0 नंबर ही लिखा हुआ है। इसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि 1 नंबर होता है तो कैसे करना है। पहले हम 0 नंबर का ही समझ के चलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारा 0 नंबर लिखा हुआ है और 0 प्लस 2। अब यहाँ पे एडिशन वाला फॉर्मेट हमें यूज करना है, 0 प्लस 2। तो हमारी जो लाइन होगी, जो हम कर्व बनाएंगे 0 से लेके 2 तक बनाएंगे। देन फिर हमें जो भी नंबर मिलेगा, जैसे कि अब हमें यहाँ पर नंबर 2 मिला है, इसमें हमें कौन सा नंबर ऐड करना है, फिर से 2 नंबर ही ऐड करना है। जिस भी नंबर की स्किप काउंटिंग करनी है वो ही नंबर हमें बार बार ऐड करना है। तो 2 में भी हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, 2, 2 प्लस 2 होता है हमारा 4। तो हमारे कर्व लाइन कहाँ पर जाएगी,
फोर पर। अब बताइए फोर में हमें कौन सा नंबर प्लस करना है, अगेन टू ही प्लस करना है, तो फोर प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स। तो हमारा ये कर्व कहाँ पर जाएगा, सिक्स पर जाएगा। अगेन सिक्स में कौन सा नंबर ऐड करेंगे हम, अगेन टू नंबर ही ऐड करना है हमें, क्योंकि हम टू नंबर की स्किप काउंटिंग कर रहे हैं, एट। इसी तरह से एट प्लस टू इज इक्वल टू टेन। आप यहाँ पे सारे नंबर भी लिख सकते हैं कि जीरो प्लस टू टू होता है, तो हमें यहाँ पर इसको यहाँ तक पॉइंट लगाना है। टू प्लस टू क्या होता है, फोर। फोर प्लस टू क्या होता है, सिक्स। एक बार रफ में लिख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें अपनी कर्व लाइन ले जानी है। इसी तरह से हमने यहाँ पर देखिए टू नंबर ट्वेल्व नंबर तक का कर लिया है। इसके बाद से देखिए नेक्स्ट लाइन में भी फिर से टेन नंबर ही लिखा हुआ है, जहां पर हमने यहाँ पर एंड करा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई और नंबर लिखा होगा, वो फिर अलग क्वेश्चन हो जाएगा। अभी ये एक ही क्वेश्चन में है कि जीरो से लेकर ट्वेंटी तक का हमें टू की स्किप काउंटिंग करनी है नंबर लाइन पे। तो अगेन टेन प्लस टू, टेन प्लस टू क्या होगा हमारा ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन, फोर्टीन प्लस टू सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस टू एटीन, एटीन प्लस टू ट्वेंटी। तो ये हमने ट्वेंटी तक के नंबर की टूस में स्किप काउंटिंग करी है ऑन अ नंबर लाइन। इसी तरह से हम 50 तक 100 तक कर सकते हैं। अब देखिए अब तक हमने नंबर जीरो से स्टार्ट करा था, बट इन केस अगर आपका कोई भी और नंबर है, प्रोसीजर सेम है अब, लेकिन हमारा स्टार्ट कौन से नंबर से हो रहा है, वन नंबर से। तो सेम हमें सिर्फ टू फिंगर ही यूज करनी है, क्योंकि हम टूज की स्किप काउंटिंग कर रहे हैं, और वन नंबर से स्टार्ट करें तो वन के आफ्टर से करेंगे और टू फिंगर तक करेंगे, वन के आफ्टर टू थ्री। तो टू फिंगर तक करा हमने तो कितना नंबर आया हमारा, थ्री। वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री। अब हमें क्या करना है, टू ही ऐड करना है सेम, बट कौन से नंबर में ऐड करना है हमें, थ्री में। थ्री प्लस टू इज इक्वल टू फाइव। फिर से हमें टू नंबर ऐड करना है, कौन से नंबर में करेंगे हम, फाइव में। फाइव प्लस टू इज इक्वल टू सेवन, सेवन प्लस टू इज इक्वल टू नाइन, नाइन प्लस टू इज इक्वल टू इलेवन। इस तरह से अब हम ऑब्जेक्ट के थ्रू भी बच्चों को समझा सकते हैं, जैसे कि हमारे पास टू डॉल्स थी, फिर टू हमने और ले ली, फिर टू फिर से ले ली। तो इस तरह से भी हम रिवर्स काउंटिंग बच्चों को करा सकते हैं। टू ही को जैसे टू पेंसिल उनको दे दीजिए, फिर से टू पेंसिल दीजिए, फिर से टू पेंसिल दीजिए, और उन्हें काउंट करने के लिए बोलिए बार बार कि कौन सा नंबर आता है। कि टू पेंसिल थी, जैसे यहाँ मैंने डॉल्स ली हुई हैं टू, फिर से टू डॉल आ गई तो कितना हो गया, फोर हो गया। फिर से टू डॉल आ गई तो ऑब्जेक्ट काउंट कर सकते हैं हम, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। देन फिर से टू आएंगी तो कितना हो जाएगा, सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू भी बच्चों को स्किप काउंटिंग सिखाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे स्किप काउंटिंग इन फाइव्स। अब तक हम टू नंबर की स्किप काउंटिंग कर रहे थे, बट यहाँ पर अब हम फाइव नंबर की स्किप काउंटिंग करेंगे। वही हमारा सेम जीरो से स्टार्ट होगा। जीरो में हमें कौन सा नंबर ऐड करना है, फाइव करना है, या फिर आप फिंगर से भी कर सकते हैं, कोई से भी मेथड से आप कर सकते हैं, चाहे एडिशन के थ्रू करिए, जीरो प्लस फाइव इक्वल टू क्या होता है, या फिर फिंगर के थ्रू जीरो के आफ्टर से काउंट करेंगे जिस भी नंबर से कि हमें स्किप काउंटिंग करनी है। तो जीरो प्लस फाइव इज इक्वल टू फाइव, फाइव में फिर से फाइव नंबर ऐड करेंगे, फाइव प्लस फाइव इज इक्वल टू टेन। अब एक मेथड हम ये वाला देख लेते हैं कि फिंगर से कैसे करना है हमें। तो जैसे ही वहां पर हमने अभी इमेज देखी थी एक, फाइव फिंगर तक हमें काउंट करना है टेन के आफ्टर से। तो इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। तो इस मेथड से भी कर सकते हैं हम, दोनों ही मेथड इजी हैं, जो भी आपको समझ में अच्छे से आता है उस मेथड से कर सकते हैं। और यहाँ पर हम एक रफ साइड में बच्चों को समझाने के लिए लिख भी सकते हैं, बच्चे खुद भी लिख सकते हैं कि हमें कौन से नंबर तक अपनी लाइन ले जानी है, कहाँ तक हमें कर्व बनाना है। जीरो प्लस फाइव इज इक्वल टू फाइव, जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें जिस भी नंबर की हमें स्किप काउंटिंग करनी है वही ऐड करना है। फाइव प्लस फाइव इज इक्वल टू टेन, अब हमारा आंसर क्या है, टेन। अब टेन में हमें फिर से कौन सा नंबर ऐड करना है, फाइव।
प्लस फाइव इज इक्वल टू 15, अब हमारा आंसर आया है 15, 15 में हमें कौन सा नंबर ऐड करना है, नंबर 5, क्योंकि हमें 5 नंबर की ही स्किप काउंटिंग करनी है, 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20, तो इस तरह से हमने 0 से लेके 20 तक के नंबर की स्किप काउंटिंग करी है ऑन अ नंबर लाइन। अब यही सेम प्रोसीजर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 5 कार्स हैं, अगर हमारे पास 5 कार्स और आ जाती हैं तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा, तो अब हम इसको काउंट कर सकते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो अब हमारे पास टोटल कितनी कार्स हो गई, 10। फिर से हमारे, तो हमें ये बताना है कि एक ही नंबर को हमें बार बार रिपीट करना है, जैसे कि यहाँ पे 5 कार थी, फिर से 5 कार आई, देन फिर से हमारे पास 5 कार आई, अब टोटल बताइए कितना होगा, 10 के बाद से काउंट करते हैं 11, 12, 13, 14, 15, तो अब हमारे पास 15 कार्स हो गई। फिर से हमारे पास 5 कार्स आई, 15 के आफ्टर से काउंट करेंगे 16, 17, 18, 19, 20, तो ये भी क्या हो गया, हमारी 5 नंबर की स्किप काउंटिंग हो गई, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू बच्चों को समझाने के लिए। अब 20 के आफ्टर से देखते हैं, फिर से 5 आई तो 25 हो जाएगा, 30, then 35, then 40, इस तरह से हम 100 तक बच्चों को समझा सकते हैं। स्किप काउंटिंग बाय 5, 0 से स्टार्ट करा है हमने, अगर इस तरह से बना हुआ आता है तो बच्चों को करने में बहुत आसानी रहती है कि हमें एक 5 वाली लाइन को कलर करना है या सर्कल करना है और एक 10 वाली लाइन को कलर करना है या सर्कल करना है, तो बट ये तो एक रटने का मेथड हो गया कि हाँ ये करना है, बस समझ में भी आना चाहिए कि क्यों करा है, 5 नंबर के बाद ही हमने 5 नंबर को स्किप करा है यहाँ पर और उसको हमने यहाँ पर कलर करा है। स्किप काउंटिंग बाय 10, 10 में क्या होता है, 10, 20, 30, 40, 50, इसी तरह से 100 तक, ये भी बच्चों को वर्कशीट में कराया जाता है स्किप काउंटिंग बाय 10, तो 10 के बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो ये आसान रहता है, बच्चों को याद कर लेते हैं इसको बच्चे, 4-5 बार हम उनको कराएंगे तो ये उनको आसानी से याद हो जाएगा, या फिर अगर नहीं याद होता तो 1 to 10 बच्चों को लर्न नहीं होता है UKG क्लास में, फर्स्ट क्लास में, तो 1 to 10 लिखना है, उसके आगे फिर 0 लगा देनी है अगर नहीं किसी वजह से हो पाता तो। अब आता है स्किप काउंटिंग बाय 3, सेम जैसे हमने 2, 5 और 10 की करी है उसी तरह से हम किसी भी नंबर की एक्सेप्ट 1 नंबर की हम कभी भी स्किप काउंटिंग नहीं करते हैं, 1 के अलावा कोई भी नंबर की हम स्किप काउंटिंग कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 है, ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है, इनकी हमें स्किप काउंटिंग करनी है, तो फर्स्ट जैसे 3 नंबर है तो फिर से हमें या तो इसमें 3 नंबर ऐड कर दीजिए या फिर 3 फिंगर तक आफ्टर 3 काउंट करना है, तो 4, 5, 6, 6 में 3 नंबर ऐड कर दीजिए 9, 9 में 3 नंबर ऐड कर दीजिए 12, 12 में 3 नंबर ऐड कर दीजिए 15। इसके बाद आता है 32, यह एक अलग क्वेश्चन हो गया, 32 में भी हमें 3 ऐड करना है, चाहे तो फिंगर से आफ्टर वाला फॉर्मेट से आप कर लीजिए, 33, 34, 35 और 36, 37, 38, या फिर एडिशन अगर आपको 2 नंबर वाला आता है तो उससे कर सकते हैं, इसी तरह से 8 नंबर के बाद का कर सकते हैं, तो इस टाइप से 3, 4, 6, 7, 8 किसी का नंबर की भी स्किप काउंटिंग हम कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों को वर्कशीट कराई जाती है स्कूलों में काउंटिंग बाय टूज एंड फिल इन द बॉक्सेस, कुछ नंबर एम्प्टी रहते हैं यहाँ पे जिन्हें फिल करना है हमें, और हमें किसकी स्किप काउंटिंग करनी है, नंबर 2 की, 2, 4, 6, 7, 8, 2 फिंगर तक ही काउंट करना है, 9, 10, 12 लिखा हुआ है, 13, 14, 15, 16, 18 के बाद क्या आएगा, 19, 20, सिर्फ 2 नंबर तक ही हमें करना है, 26 के बाद 27, 28, 29, 30, तो इसी तरह से हम ये पूरी वर्कशीट बच्चों को करने के लिए देते हैं ताकि उनको 2 की स्किप काउंटिंग अच्छे से समझ आ जाए, 100 तक नंबर की कराए। इसी तरह से 5 नंबर की आती है वर्कशीट,
अब देखिए यहाँ पे 5 के बाद से सब कई बार क्या होता है लिखा भी नहीं रहता है ऊपर कि काउंटिंग बाय 5s करना है या काउंटिंग बाय 2s करना है। खुद ही बच्चों को समझना होता है कि हमें कौन से नंबर की स्किप काउंटिंग करनी है। तो हम 5 और 10 में देख लेते हैं कितना डिफरेंस है। 5 नंबर का 10 और 15 में 5 नंबर का डिफरेंस है, तो ये कौन सी काउंटिंग हो जाएगी, 5 नंबर की स्किप काउंटिंग हमें करनी है। इससे पहले जो था तो उसमें भी हम इसी तरह से चेक कर सकते थे, 2 और 4 लिखा हुआ है तो 2 नंबर का डिफरेंस है दोनों में, 2 नंबर की स्किप काउंटिंग हुई भी है। तो 15 के बाद से 5 नंबर तक काउंट करना है, 16, 17, 18, 19, 20। इसी तरह से पूरी वर्कशीट बच्चों को करने के लिए दीजिए। और एक इसका एक मेन ये देखिए फंडा क्या है कि जो हम 2 की स्किप काउंटिंग करते हैं, अगर हम 20 तक, ये क्या हो गया हमारा 2 का टेबल हो जाता है। 3 का टेबल भी, ये 3 की स्किप काउंटिंग है, ये 5 की स्किप काउंटिंग है और ये 10 की स्किप काउंटिंग है। अगर इसी बहाने बच्चों को क्या है टेबल भी आसानी से लर्न हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। और आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फेयर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।